हिसाब से वो शुरुआत से ही अकेले खेल रहे हैं और अब आपको बता दें कि वो वाकई में अकेले हो गए हैं क्योंकि सारे घरवाले ही उनके खिलाफ हो गए हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दिए। क्योंकि टास्क के दौरान राहुल वैद्य को अपने आप को सही साबित करना था और बाकी घर वालों को अपना एक वो सदस्य बताना था जो आगे जाना डिजर्व नहीं करता। तो घर में सभी सदस्यों ने राहुल वैद्य का नाम लिया, यहाँ तक कि निकी तंबोली ने तो कहा कि राहुल वैद्य वो इंसान है जो यहाँ पर तो कहते हैं भाई दिशा परमार, लेकिन बाहर कितनों के पीछे घूमता है मैं जानती हूँ। मुझे मैसेजेस करना, लव सॉन्ग्स भेजना और मेरी पीआर मैनेजर के ऊपर ट्राई करना, व्हाट इज दिस। तो वही रुबीना दलायक भी कहते हैं कि मुझे भी नहीं लगता कि ये डिजर्व पर्सनैलिटी है बिकॉज जिस तरीके से बिहेव करते हैं और कह भी चुके हैं कि मैं ही वो औरत हूँ जिनकी इज्जत नहीं करती, तो मेरे हिसाब से हर एक ह्यूमन बींग डिजर्व करता है इज्जत। इस पर उन्होंने कहा कि आप डिजर्विंग नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता और आपने ऐसा कुछ किया नहीं। तो अभिनव शुक्ला ने भी कहा कि तू जिस तरीके से मेरी बीवी से बात करता है ना, ऐसा तू बिग बॉस के सेट से बाहर आके करना, तब मैं तुझे बताऊंगा। तो भाई इजाज़ खान भी कहते हुए नजर आते हैं कि राहुल वैद्य बाकी सब तो ठीक है लेकिन जब तुम औरतों की डिसरेस्पेक्ट करते हो ना, वहाँ पे सब कुछ वैनिश हो जाता है। और इस तरीके से सारे घर वालों ने ही राहुल वैद्य को ट्रिगर किया, पॉइंट आउट किया और बताया कि वो किस तरीके से नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है बिग बॉस सीजन 14 के फिनाले के लिए। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर कटलेस अनसीन अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।